हाय दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर मैं बताने वाला हूँ कि अपने स्टेट के या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी क्रिकेट के ट्रायल्स होते हैं, क्रिकेट के मैचेस होते हैं या फिर क्रिकेट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसके बारे में अपडेटेड कैसे रहें। तो कैसे इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं इसी बारे में फुल डिटेल आपको बताऊँगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटियों से बजा लीजिए और इस वीडियो का मज़ा लीजिए। तो बेसिकली देखिए, अपने स्टेट के या फिर डिस्ट्रिक्ट के क्रिकेट ट्रायल्स के बारे में, क्रिकेट मैचेस के बारे में या फिर जो भी टैलेंट हंट होते हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि मान लीजिए, देखिए आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो, चलिए बहुत आपने हार्ड वर्क करी है, लेकिन आपको अगर पता ही नहीं है कि किस मतलब कौन सा अभी ट्रायल आने वाला है, तो आप कैसे जान पाओगे कहाँ पर जाना है। और आप मिस भी कर सकते हो बहुत, मतलब कि जो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको देने वाली थी और आप उस वहाँ पर जा नहीं पाओगे, तो आप मिस कर दोगे सारे अपॉर्चुनिटीज़ को। तो गाइस, आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और गाइस, अगर अपडेटेड रहने के लिए मैं आपको वो आज तीन तरीके बताऊंगा, तीनों को ध्यान से सुनिएगा, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर सबसे पहला तरीका देखते हैं जिससे आप ट्रायल के बारे में अपडेटेड रह सकते हो क्रिकेट के रिलेटेड। ठीक है, यह है कि सबसे पहले आपको एक ऐप आता है जिसका नाम है क्रिक हीरोज़। आपको उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर में मिल जाता है। ठीक है, आपको सर्च करना है क्रिक हीरोज़ तो आपको मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के बाद उसके बाद आपके पास देखिए क्या ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले आप ओपन करते हो, तो उसके बाद आते हैं आपके मतलब कि जब थ्री एक लाइन आती है उस पर आप क्लिक करते हो, तो उसमें आपको मतलब क्रिकेट एसोसिएशन आते हैं, स्टेट के क्रिकेट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट के क्रिकेट एसोसिएशन। और तो उसमें आप क्या करना है, आपको आप जिस स्टेट में रहते हो उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद उस स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने क्रिकेट एसोसिएशन है उस डिस्ट्रिक्ट में, तो वो सारे आ जाएंगे। और फिर आप आराम से देख सकते हो कौन सा मैच होने वाला है या फिर कौन सा मैच हो चुका है या फिर कौन सा ट्रायल होने वाला है। तो क्या यार, ये यहाँ पर तरीका है क्रिक हीरोज़ का, बहुत ही बढ़िया फीचर है। और इसमें ये भी फीचर है कि आप दूसरों से मतलब कि पर्सनल मैचेस भी खेल सकते हो, मतलब कि उनसे बात कर सकते हो कि मैचेस खेलना है, तो वो आप उस तरह से ऑनलाइन ही कर सकते हो मैचेस के बारे में। और या फिर अगर आपको किसी के टीम में खेलने का मन है तो आप भी वहाँ इंक्वायरी कर सकते हो कि मैं इस टीम से खेलना चाहता हूँ। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। और सबसे मेन फीचर तो ये है कि आपको ट्रायल्स के बारे में अपडेट देता रहेगा, जितने भी क्रिकेट के ट्रायल्स होंगे, क्रिकेट के मैचेस, सारे चीज़ों के बारे में। तो क्रिक हीरोज़ ऐप को जरूर रखिएगा अपने फ़ोन में। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर ये था तरीका। दूसरा तरीका गाइस ये है कि देखिए, आप जिस स्टेट में रहते हो और जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, उन दोनों के जो क्रिकेट एसोसिएशन हैं उनके ऐप डाउनलोड करके रखिए अपने मोबाइल में। ठीक है, अब जैसे कि मैं रहता हूँ झारखंड में, तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन करके नाम है हम लोग का यहाँ पर क्रिकेट एसोसिएशन का, तो उसको मैंने डाउनलोड करके रख लिया प्ले स्टोर में। ऑलमोस्ट जितने भी क्रिकेट एसोसिएशन होती है सभी अपना ऐप बना के रखते हैं जिसमें वो अपना सब कुछ अपडेट दे पाएँ। तो ये आपको कर लेना होता है, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के जो आपका क्रिकेट एसोसिएशन है, जैसे मेरा है धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन, तो मैं वो ऐप डाउनलोड करके मैंने उसको रखा है। तो ये दो आपको रखना है। इससे क्या होगा, आप स्टेट के भी जितने भी मतलब कि होते हैं इंफॉर्मेशन, वो आपको एकदम पार्टिकुलर मिलेगा सिर्फ स्टेट के बारे में, और जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के बारे में पार्टिकुलर मिलेगा। क्रिक हीरोज़ में थोड़ा सा आपको क्या पूरा वास्ट मिलता है, लेकिन इसमें एकदम सटीक मिलेगा। तो ये आपको दो एप्लीकेशन रखना है, ये मतलब कि जो आपको स्टेट का जो क्रिकेट बोर्ड है और डिस्ट्रिक्ट का क्रिकेट बोर्ड, ये दोनों एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल पर रखना है। तो कैसे जा रहा है, यहाँ पर दूसरा तरीका था इस पर, क्या मैंने बताया कि आप देख सकते हो आराम से कि कहाँ पर क्या कौन सा ट्रायल मैच हो रहा है या फिर क्रिकेट के ट्रायल्स हो रहे हैं। अब गाइस, यहाँ पर जो तीसरा तरीका है वो है कि अपने कोचेस से थोड़ा सा कनेक्टेड रहिए। बेसिकली कोचेस से कनेक्टेड रहते हो तो क्या होता है, कोई भी ट्रायल होता है, कहीं भी क्रिकेट ट्रायल या फिर डिस्ट्रिक्ट के सिलेक्शन, स्टेट के सिलेक्शन, तो सबसे पहले कोचेस को ही बताया जाता है। सिलेक्टर बताते हैं सभी कोचेस को कि यहाँ पर ये होने वाला है, तो उनको ही पहले पता चलता है। तो इससे क्या होता है गाइस, यार अगर आप उनके साथ कनेक्टेड रहते हो तो वो आपको बताते रहते हैं कि कब कहाँ का ट्रायल है। तो इससे क्या होता है, आप मतलब कि आगे रहते हो, अप टू डेट रहते हो। तो गाइस, आपको कोचेस से भी हमेशा बात करते रहना चाहिए कि क्या सर कहीं ट्रायल हो रहा है, मैच हो रहा है। तो इससे क्या होता है, आप आसानी से जान सकते हो, अपडेटेड रह सकते हो। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर ये तीसरा तरीका था। तो और गाइस, यहाँ पर जो लास्ट तरीका है वो ये है कि देखो, हमेशा क्या करो, मतलब गूगल में जाओ और सर्च करते रहिए क्रिकेट ट्रायल्स के बारे में, मतलब लिख दीजिए क्रिकेट ट्रायल्स। ठीक है, अब वहाँ पर क्रिकेट ट्रायल्स सर्च करोगे, उसके बाद न्यूज़ में क्लिक करिएगा। तो न्यूज़ में क्लिक करोगे तो खुद ब खुद जितने भी ट्रायल्स होने वाले हैं या फिर ट्रायल्स हो चुके हैं सबके बारे में यहाँ पर आता ही रहता है। टैलेंट हंट हो रहा है या फिर कोई भी ट्रायल हो रहा है तो आता ही रहता है। तो गूगल में आपको फ्रीक्वेंटली सर्च करते रहना चाहिए इन सभी चीज़ों के बारे में, जिससे आप आसानी से अपडेटेड रह सकते हो। तो गाइस, मैंने आपको ये चार तरीके बताए, अगर आप ये चार तरीकों को आजमाते हो तो आप कोई भी क्रिकेट के ट्रायल्स
क्रिकेट के जो भी मैचेस होते हैं उसको कभी मिस नहीं करोगे और आप आसानी से अपॉर्चुनिटी को गेन कर पाओगे। तो बस गाइस यहाँ पर इतना वीडियो था, अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।